यदि हम भगत सिंह को देखें, कितना सहज आदमी था। अभी बता रहे थे नरेश जी कि एक आदमी को फांसी की सजा होगी और उसके बावजूद किताब पढ़ रहे बैठे इत्मीनान से। अरे भाई, एक आदमी की मौत की समय तय हो जाए तो आप देखिए उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या होती है। हम यहाँ इस जगह बैठे हैं सभी, हमें सबको पता है कि हमारी मौत निश्चित है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, कैसे हमारी मौत आएगी। भगत सिंह ये बहुत छोटी सी आयु में जान चुका था, उसको पता था फांसी पे टंगने के बाद वापिस नहीं आना है, लेकिन पन्ना मोड़ के जा रहा बंदा। कितनी आगे की सोच होगी, और वो सोच कोई खत्म थोड़ी होगी है। आजादी का जो संघर्ष है वो निरंतर लोगों के दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर जारी है, और वो संघर्ष की जो कहानी है वो बहुत लंबी है। वो जद्दोजहद जो है वो हमेशा चलने वाली चीज है, पूर्णता नहीं है उसमें। भगत सिंह जब ये बात कहते थे कि भाई ये तो चले ही जाने हैं, अंग्रेज तो चले ही जाने हैं, क्योंकि दबाव पड़ रहा था चारों तरफ से, लोग समझ गए थे सारे कि तो यार वैसे हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं हमारे पास ऊपर, तो भगत सिंह को पता था भी ये चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद व्यवस्था कैसी व्यवस्था बनेगी, जब देश गुलाम था क्या सभी लोग जेलों में रहते थे। इसी तरह से जैसे हम काम कर रहे हैं अपने, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसानी का काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेता है वो चाहता है कि वो निःशुल्क उसको शिक्षा मिले, उसका उसका परिवार जो है पे नहीं कर सकता, तो वहाँ से उसका संघर्ष शुरू होता है, उसकी लड़ाई शुरू होती है, वो आज भी है, निरंतर जारी है। एक आदमी दिन भर मेहनत करता है लेकिन उसको उस मेहनत का फल नहीं मिलता, तो क्या उसके अंदर संघर्ष मर गया है। लेकिन वो संघर्ष व्यक्तिगत स्तर पे संघर्ष चलता रहता है, मानसिक स्तर पे चलता रहता है, लेकिन वो संघर्ष वो कभी संगठित होके लोगों के सामने नहीं आता। और उस संघर्ष में कितने लोग कुर्बान हो जाते हैं, आप ये देखिए कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। अरे सुसाइड करना तो मरना हुआ, लेकिन भगत सिंह कोई नहीं बनना चाहता। तो ये जो संघर्ष है ये हमेशा जारी है और जारी रहेगा। ये आजादी का जो संघर्ष है जिसकी हम आजादी कह रहे हैं, अब अरुण जी कह रहे थे कि क्या राजनीतिक आजादी हासिल हो गई, हमने वोट दे दी और हमने तो ये मान लिया कि 5 साल के बाद फिर देखेंगे भाई, इन्होंने नहीं कुछ कराया, 5 साल आगे फिर देख लिया भाई, फिर कोई बकाया सी ले गया, फिर काट ले गया फसल, फिर 5 साल के बाद देखेंगे। और इसी तरह से पीढ़ियों पीढ़ियां जो है वो खप गई हैं उसमें, कितना बदला है समाज। तो ये जो संघर्ष है ये सदैव जो है वो निरंतर लोगों के मनों के अंदर चलता रहता है, और इस संघर्ष को जो है हम भगत सिंह को जाने बिना इस संघर्ष को लोगों के सामने नहीं ला सकते। यदि हमने अपने संघर्ष को संकेत करना है, अपने अंदर के संघर्ष को जीवन के संघर्ष के साथ जोड़ना है, तो भगत सिंह जैसी जो शख्सियतें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह बहुत चीज़ों में अलग थे और बहुत क्रांतिकारी हुए, बड़े बड़े बलिदान दिए, लेकिन भगत सिंह गांधी जी ये ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत गहरे विचार थे, ये बहुत इनकी दृष्टि जो थी वो बहुत दूर तक जाती थी। अब भगत सिंह के साथ इसके दो साथी और थे,
राजगुरु सुखदेव, उनका जिक्र आता नहीं, संदेह उनका बहुत बड़ा बलिदान है, लेकिन आप ये देखिए उनमें भी भगत सिंह बड़े नजर आते हैं कुछ, क्योंकि भगत सिंह के जो विचार थे, भगत सिंह ने वो विचार जो है पूरी दुनिया पूरी, अब तो हम सिर्फ उतना कुछ पढ़ते हैं ना जितना हमारे रोजगार से संबंधित काम आ जाए, लेकिन भगत सिंह तो 1931 में ग्रेजुएट थे, 8वीं पास तहसीलदार लग जाया करते थे, क्या जरूरत थी? आज भी हम सब इसी दौड़ में तो हैं, लेकिन निराशा कितने कितने लोग होते हैं, ग्रेजुएट कितने निकलते हैं और कितने को रोजगार मिलता है, ये सवाल उस वक्त भी भगत सिंह के मन में था।